हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे फ्रॉम दी लेसन सेमीकंडक्टर। ये आपको यूजफुल रहेंगे डिप्लोमा बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ एन टाइप सेमीकंडक्टर डैश टाइप ऑफ एटम्स आर एडेड टू सिलिकॉन और जर्मेनियम। देखिए, अगर आपको एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है मतलब आपको इलेक्ट्रॉन ज़्यादा चाहिए, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फिफ्थ ग्रुप के एटम्स ऐड करते हैं। तो फिफ्थ ग्रुप के एटम्स जो रहते हैं इनके लास्ट शेल में पांच इलेक्ट्रॉन रहता है, तो लास्ट शेल में पांच इलेक्ट्रॉन है इसके लिए इसको पेंटावेलेंट इंप्योरिटी कहा जाता है। फॉर एग्जांपल आप देखिए फॉस्फरस, इसका जो एटॉमिक नंबर है आप देखिए 15 है, तो फर्स्ट शेल में 2 है, सेकेंड शेल में 8 है, लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो अगर आपने फॉस्फर ऐड किया हुआ है, ये देखिए फॉस्फर क्या करता है, एक एक सिलिकॉन एटम से क्या करता है, अपने चार इलेक्ट्रॉन क्या करता है, शेयरिंग करता है। तो फॉस्फर एटम जो रहता है ये बाजू के सिलिकॉन एटम से क्या करता है, एक एक इलेक्ट्रॉन देके यहाँ पर ये शेयरिंग करता है। तो फॉस्फर के पास देखिए पांच इलेक्ट्रॉन है लास्ट शेल में, तो ये देखिए चार इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है। इस तरह से उसके लास्ट शेल में पांच इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए इसको पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी कहा जाता है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में देखिए इलेक्ट्रॉन की पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि हर एटम क्या करता है, एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। फॉस्फर के अंदर लास्ट शेल में देखिए पांच इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए इसको पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी कहा जाता है। तो अगर आप एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाना चाहते हो, एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, हम फॉस्फर ऐड करते हैं और ये फिफ्थ ग्रुप को बिलोंग होता है, तो इसको पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी कहा जाता है। तो अगर आपने फिफ्थ ग्रुप के एटम्स ऐड किए हैं तो हर एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देता है। तो इस तरह से इसमें इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं एज कंपेरिजन टू होल्स, और इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज नेगेटिव है, इसके लिए इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर कहा जाता है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए आपको फिफ्थ ग्रुप के एटम्स ऐड करने पड़ते हैं, और फिफ्थ ग्रुप का एटम मतलब लास्ट शेल में पांच इलेक्ट्रॉन रहता है, तो चार की बॉन्डिंग हो जाती है, एक डोनेट हो जाता है, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन की पॉपुलेशन बढ़ जाती है। तो अगर आपने फिफ्थ ग्रुप के एटम ऐड किए, लास्ट शेल में पांच इलेक्ट्रॉन है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पेंटावेलेंट टाइप ऑफ एटम। अब देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, द चार्ज कैरियर इन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर आर इलेक्ट्रॉन्स ओनली होल्स ओनली होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन इक्वल नंबर होल्स इन लार्ज नंबर एंड इलेक्ट्रॉन इन स्मॉल नंबर। तो आप देखिए, अगर हमने यहाँ पर एक पी टाइप सेमीकंडक्टर लिया हुआ, तो आप देखिए अगर हमने यहाँ पर पी टाइप सेमीकंडक्टर लिया हुआ है, तो पी का मतलब क्या है, पॉजिटिव, लेकिन ये सेमीकंडक्टर न्यूट्रल रहता है। इसको पी टाइप इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें देखिए होल ज्यादा रहेंगे, तो होल्स के पास चार्ज क्या रहेंगे, पॉजिटिव। तो आप देखिए इसमें होल ज्यादा रहेंगे, तो होल्स के पास चार्ज क्या है, पॉजिटिव। होल्स मतलब मिसिंग इलेक्ट्रॉन रहता है, उसके पास चार्ज पॉजिटिव है, इसके लिए इसको पी टाइप सेमीकंडक्टर कहा गया। और आप देखिए इसके पास इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे वो माइनॉरिटी है, तो इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम रहेंगे। तो आप देखिए पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल ज्यादा रहेगा, होल्स की पॉपुलेशन ज्यादा रहेगी और इलेक्ट्रॉन्स की पॉपुलेशन कम रहेगी। अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर है तो ये रिवर्स रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स की पॉपुलेशन ज्यादा रहेगी और होल्स की कम रहेगी। आप देखिए इसमें पूछा गया है कि चार्ज कैरियर इन पी टाइप सेमीकंडक्टर आर होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, बस होल्स आर मोर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर लेस। तो आप देखिए होल्स इन लार्ज नंबर एंड इलेक्ट्रॉन इन स्मॉल नंबर, तो इसका आंसर डी आएगा। अब देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ एनी एंड एनएच रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स रिस्पेक्टिवली इन अ सेमीकंडक्टिंग मटेरियल, देन फॉर एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टिंग मटेरियल एनी इज मच मच लेस देन एनएच, एनी इज मच मच ग्रेटर देन एनएच, एनी इज इक्वल टू एनएच, एनी इज इक्वल टू एनएच इक्वल टू 0। तो आप देखिए यहां पर ये स्मॉल एनई, एनी क्या रिप्रेजेंट करता है, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब पॉपुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितनी है। तो एनी जो है वो रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एनएच जो है, आप देखिए एनएच जो है ये नंबर ऑफ होल्स को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब पॉपुलेशन ऑफ होल्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो आप देखिए यहाँ पर हमको पूछा गया एन टाइप सेमीकंडक्टर, तो आप देखिए अगर हमने ये एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर लिया हुआ है, तो आप देखिए यहाँ पर अगर हमने ये एन टाइप सेमीकंडक्टर लिया हुआ है तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा रहेंगे, तो आप देखिए पॉपुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा रहेगी और पॉपुलेशन ऑफ होल्स जो रहेगा आप देखिए ये कम रहेगा। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन्स है और ये होल्स है, तो होल्स के पास चार्ज पॉजिटिव है
और इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज क्या है, नेगेटिव है। तो आप देखिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे ये बहुत ज्यादा रहेंगे एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ होल्स। तो आप देखिए इसका आंसर जो रहेगा ये बी आएगा, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज मच मच ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स। अब देखिए स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 4 है। पी टाइप सेमीकंडक्टर इज ऑब्टेंड ऑन डोपिंग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बाय गोल्ड फास्फोरस आर्सेनिक एंड एल्यूमिनियम। तो आप देखिए पी टाइप सेमीकंडक्टर हम लोग कैसे बनाते हैं, अगर हमने जर्मेनियम लिया हुआ है तो जर्मेनियम क्या है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। आप देखिए इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 32 है। फर्स्ट शेल में 2 जाएगा, सेकेंड शेल में 8 जाएगा, थर्ड शेल में 18 जाएगा और लास्ट शेल में 4। तो आप देखिए ये जर्मेनियम जो है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, ये ग्रुप 4 को बिलोंग होता है, इसके लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हमको पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है तो थर्ड ग्रुप का एलिमेंट ऐड करना पड़ता है। तो जैसे कि देखिए एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम के लास्ट शेल में देखिए यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा, क्योंकि एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर यहाँ पर देखिए क्या रहेगा, 13। तो 2, 8, 3। तो आप देखिए एक एटम जो है एल्यूमिनियम का वो नेबरिंग जर्मेनियम एटम के साथ क्या करेगा, यहाँ पर देखिएगा आप ये बॉन्ड बनाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर जो है एक एटम है एल्यूमिनियम का वो नियर बाय जर्मेनियम एटम के साथ क्या करेगा, यहाँ पर ये बॉन्ड बनाएगा और इस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड। तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा। तो ये देखिए एल्यूमिनियम के पास कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये देखिए यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 हो गया और ये 3 हो गया। तो जर्मेनियम के साथ क्या करता है, वो शेयरिंग करता है, लेकिन देखिए यहाँ पर एक बॉन्ड जो रहेगा इनकम्प्लीट रहेगा, तो इसमें होल आ जाएगा। तो अगर ये जो पी टाइप सेमीकंडक्टर बना हुआ है, तो देखिए ये पी टाइप सेमीकंडक्टर बना हुआ है, तो अगर हमने एल्यूमिनियम एटम के साथ डोप किया हुआ है तो देखिए वो एक होल क्रिएट करता है। इस तरह से हमने बहुत से एल्यूमिनियम के एटम ऐड किए हुए हैं, तो इसमें ज्यादा क्या आ जाएंगे, होल्स आ जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स क्या रहेंगे, आप देखिए ये कम रहेंगे। तो इसमें होल ज्यादा आ जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स कम रहेंगे, तो इसमें होल ज्यादा आएंगे, तो इसके लिए इसको पी टाइप सेमीकंडक्टर कहा जाता है। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए आपको ग्रुप 3 के एलिमेंट लगती है, जिसके लास्ट शेल में देखिए यहाँ पर ये 3 इलेक्ट्रॉन रहता है। जिसके लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन रहता है तो ये ग्रुप 3 को बिलोंग होता है, और अगर लास्ट शेल में देखिए 4 इलेक्ट्रॉन रहता है तो ये ग्रुप 4 को बिलोंग होता है। तो अगर हमको पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ग्रुप 3 के एलिमेंट को किससे ऐड करते हैं, ग्रुप 4 से। तो एक एटम क्या करता है, आप देखिए यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर देता है और एक बॉन्ड इनकम्प्लीट रहता है, तो वहां पर होल बनता है, होल के पास चार्ज पॉजिटिव है, इसके लिए इसको पी टाइप सेमीकंडक्टर कहा जाता है। तो आप देखिए इसका आंसर जो रहेगा ये डी आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 5 है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेस देन नंबर ऑफ होल्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स। तो आप देखिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मींस क्या है, प्योर सेमीकंडक्टर है, आई टाइप सेमीकंडक्टर है। तो अगर हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यहाँ पर लिया हुआ है एट टेम्परेचर ग्रेटर देन -273.15 डिग्री सेल्सियस और टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 केल्विन, तो देखिए ये लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है। अगर हम लोग इसके ऊपर जाते हैं, तो अगर आप कोई भी टेम्परेचर में जाओगे इसके ऊपर, तो सेमीकंडक्टर में क्या रहेगा, जितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उतने ही प्लस चार्ज रहेंगे, तो उतने ही उसके अंदर होल्स रहेंगे। तो उस मटेरियल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही होल्स रहेंगे, तो उनकी पॉपुलेशन बराबर रहेगी। तो n, स्मॉल n देखिए क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। तो ये रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब इन द सैंपल, और nh रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ होल्स पर मीटर क्यूब इन द सैंपल्स, मतलब कितने प्लस चार्ज है पर मीटर क्यूब इन द सैंपल और कितने माइनस चार्ज है पर मीटर क्यूब इन द सैंपल। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब आप देखिए अगर हम प्योर सेमीकंडक्टर लेते हैं, तो अगर हम टेम्परेचर जाते हैं That is -273.15 डिग्री सेल्सियस के ऊपर या 0 केल्विन के ऊपर, तो कोई भी टेम्परेचर में उसमें आप देखिए पॉपुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और पॉपुलेशन ऑफ होल सेम रहेगा, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब और नंबर ऑफ होल्स पर मीटर क्यूब देखिए ये सेम रहेगा, तो Ne will be equal to NH। तो आप देखिए इसका आंसर जो रहेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स पर मीटर क्यूब,
मतलब पॉपुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और पॉपुलेशन ऑफ होल्स क्या रहेगा? सेम रहेगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स उस मटेरियल के अंदर सेम रहेगा। तो देखिए स्टूडेंट, हमने इस तरह से 5 MCQ क्वेश्चंस किए हैं फ्रॉम दी लेसन सेमीकंडक्टर। तो ये बहुत सिंपल है, आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू एवरीबॉडी।